के राज्यपाल फागू चौहान ने कोविड को लेकर 17 अप्रैल को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। वहीं इस बैठक पर आरजेडी ने सवाल उठा दिया है। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाने में काफी देर कर दी है, इस तरह की बैठक और पहले ही हो जानी चाहिए थी। इस दौरान उन्होंने कोविड को लेकर सरकार को लापरवाह भी बताया। जनक है और सरकार सिर्फ जादुई आंकड़ा करके, फर्जी आंकड़ा दे करके सिर्फ अपना पीठ थपथपा रही है प्रचार प्रसार करके, लेकिन हकीकत में धरातल पे जो स्थिति है वो सबको पता है। अब सर्वदलीय बैठक सरकार को पहले बुलानी चाहिए थी। 17 तारीख को सर्वदलीय बैठक सरकार ने बुलाई है, लेकिन सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और मुकम्मल व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि आने वाले दिनों में जो हालात लग रहे हैं। वहीं इसी कड़ी में पटना के गार्डिनर अस्पताल में भी टीका उत्सव की शुरुआत की गई, लेकिन यहां तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही हैं। ज्यादा से ज्यादा टीकाकरण लेने की होड़ में लोग कोरोना गाइडलाइन से किस तरह धज्जियां उड़ा रहे हैं, ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। बता दें कि देश भर में कोरोना का दूसरा वेव पांव पसार रहा है, जिसके लिए लड़ने के लिए सरकार लगातार लोगों से कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील कर रही है, लेकिन गार्डिनर अस्पताल में लोग न सोशल दूरी का ध्यान दे रहे हैं और न ही मास्क का।